हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटियो गार्डन एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि होजले रुक जाता है जिंग को किस करते हुए और वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। ले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि जिंग जो है वो बिल्कुल भी उसे रोक नहीं रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो फोर्स कर रहा है उसे किस करने को, लेकिन जिंग उसे बताती है कि उसके पास कोई चांस ही नहीं होता अगर वो एक्चुअली में उसे किस करना देना नहीं चाहती। उसी टाइम पे दिखाया जाता है कि दामिंग आ जाता है और अपने सोए हुए दोस्तों को जगाना शुरू कर देता है उनके दरवाजे पे नॉक करके और उन्हें ग्रिल्ड स्क्विड देता है। और जब वो जिंग के डोर पे नॉक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ले है। ले जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे ड्रेस दिखाई देता है जो सेंचे ने वहाँ पर गेट के बाहर रख दिया था। और बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगक्विंग स्क्विड को ग्रिल कर रहा होता है। तभी होजले वहाँ पर पहुँचता है और सेंचे को पूछता है क्या उसने उसे जिंग के साथ देखा था, तो सेंचे कंफर्म करती है कि हाँ उसने देखा था। तभी सेंचे कहती है कि तुम मुझसे हेट करते हो ना होजले। होजले मना करते हुए कहता है कि अगर वो उससे नफरत करता तो उसे इतनी ज्यादा बार क्यों बचाता। और वो अंदर की तरफ जाता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है जिसे सेंचे सुनती है। तभी दामिंग सी वहाँ पहुँच जाता है और वो होजले को स्क्विड देता है और उससे दोबारा दोस्ती कर लेता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो वापस सांघई आ जाते हैं और दामिंग सी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने स्कूल को जाने में। वही स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो सेंचे के जूते चुरा लेता है उसके लॉकर से और उसके ऊपर प्रैंक करता है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। दामिंग अपना प्लान मिंगजुआ और जीमैन को बताता है कि पहले वो सेंचे को सेड्यूस करेगा और उसके बाद उसे डंप कर देगा। उसकी बात सुन के मिंगजुआ कहता है कि दामिंग खुद ही उसके प्यार में बढ़ जाएगा पहले। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेंचे होजले से स्कूल के रूफटॉप पे मिलती है जहाँ वो जिंग की ड्राइंग बना रहा होता है वॉल पे, जिसकी वजह से होजले के सिर पे कुछ चौक की डस्ट गिर जाती है जिसे सेंचे साफ करती है उसके बालों से। वहीं दूर खड़ी हुई दो लड़कियाँ उसे टेप में रिकॉर्ड कर लेती हैं और वो जाके उस वीडियो को दामिंग को दिखाती हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सेंचे वापस रूफटॉप में जाती है अपनी बुक्स लाने के लिए, तो सेंचे को रूफटॉप में देखकर दामिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जो लड़कियां कह रही थी वो बिल्कुल सही है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और जोर से दीवार पे पंच मारता है। सेंचे देख के डर जाती है और वहां से भागती है, पर सी उसे दोबारा पकड़ लेता है और वॉल के अगेंस्ट उसे किस करता है जिससे सेंचे रोने लग जाती है। तो दामिंग सी ये देख के उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंचे जब सामने से दामिंग को आते हुए देखती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, वहीं दामिंग भी उल्टे रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीमैन और मिंगजुआ दोनों जिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं होजले से। मिंगजुआ उसे पूछता है कि उसका प्लान क्या है, कि वो कब अपनी फीलिंग के बारे में जिंग को बताएगा, तो होजले रिप्लाई करता है कि वो इसके बारे में सोच रहा है। साथ ही में वो ये भी पूछता है होजले से कि उसके और सेंचे के बीच में क्या चल रहा है, तो उसको सुन के वो इग्नोर कर देता है। वहीं सेंचे के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेंचे अपनी दोस्त जिंगजाओ को दामिंग के बारे में पूरी स्टोरी बताती है जब वो पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं उन्हें लेने उनका दोस्त क्विंग वहां पहुंच जाता है पार्टी में ले जाने के लिए। जब वो पार्टी में पहुंच जाते हैं तो सेंचे दामिंग को अवॉइड करती है जो उसके रास्ते में आता है। दूसरी तरफ के सीन में दिखाया जाता है कि होजले पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब वो जिन से अलग हो गया था, जब जिन फ्रांस चली गई थी पढ़ने के लिए। पार्टी के बाहर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर लिंजिन पार्टी के अंदर आने की कोशिश करती है बट उसको एंट्री नहीं मिलती है। तभी वो सेंचे को फोन करने की कोशिश करती है पर उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि सेंचे का फोन चल नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ पार्टी में जिनमिन जाऊ को प्रोटेक्ट करता है एक आदमी से जो कि उसे हराश करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वहां पर सिंचे भी पहुंच जाती है और सिंचे जाऊई को जिमिन से बात करने से रोकती है और साथ ही में वो जावी का फोन मांगती है ताकि वो लिंजे को फोन कर सके। सिंचे लिंजन को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ पहुंची है, तो तब तक लिंजे की पूरी ड्रेस खराब हो गई होती है बारिश की वजह से, तो वो कहती है कि वो आ नहीं पाएगी। वो सिंचे से झूठ कह देती है कि उसके परिवार में कुछ हो गया है तो वो आ नहीं पाएगी। वहीं पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग एंटर करती है पार्टी में, जहाँ पर उसके सारे गेस्ट उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं और हौजले उसे अपना हाथ देता है और वो डांस करने की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।